सुनने आते हैं और देर रात तक बैठते हैं, और आज अच्छी कविता मंचों से अपदस्थ है। कबीर का समय हो या मुक्तिबोध का, दोनों समय अभिव्यक्ति के खतरे उठाते रहे। कवि और कविता के मंच पर व्यंग तो शरद जोशी और परसाई जैसा हो, चुटकुलों ने चीजों को बहुत हल्का कर दिया है, जिससे कविता बड़ा कहीं अपदस्थ हो गई। प्रगतिशील वैचारिकी जन आंदोलनों को दबाने की पूरी कोशिश रहती है। हम जो आज संकट देख रहे हैं वह कवि और कविता की तरफ से पैदा नहीं हुआ है। यह संकट एक खास तरह की मानसिकता निर्मित करने के लिए पैदा किया गया संकट है। यहाँ साहित्य कला के लिए बहुत कम स्थान है। यहाँ साहित्य कला के लिए बहुत कम स्थान है, इसलिए यहाँ आयोजक नहीं दिख रहे हैं। इतने झंझावातों के बाद भी आज कविता मुखर होगी यहाँ। ऐसे में समय साक्ष्य संस्कृति भाग दून लाइब्रेरी आदि के द्वारा जो साहित्य उत्सव किया गया है 2016, वो सार्थक प्रयास है। लेकिन धूमिल के शब्दों में कहना चाहूंगा कि कविता क्या खाने कमाने की चीज है? कविता क्या खाने कमाने की चीज है? क्या व्यक्तित्व बनाने की चीज है? ना भाई ना, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है।